हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आकाश, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हीरो ग्लैमर 150 सीसी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। एक बाइक है हीरो ग्लैमर 150 सीसी में आती है, डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं उस बाइक के अंदर दोस्तों, मगर बाइक सुपीरियर एक्सीलेंट ऑसम बाइक बोलूँगा मैं उसे। पल्सर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे पसंद भी पल्सर ही है, मगर जब मैंने वो बाइक चलाई तो मुझे पल्सर की कमी कहीं तक भी फील नहीं हुई है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बाइक है हीरो ग्लैमर, आज इसके बारे में कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ मैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं इस बाइक को, मतलब पसंद नहीं करते, बहुत बुरी लगती है उन लोगों को बाइक ये लुक्स के मामले में और चलने के मामले में। दोस्तों मैं आपको पर्सनली ओपिनियन देने वाला हूँ आपको इस बाइक के बारे में। हीरो वालों की बाइक है ग्लैमर 150 सीसी में आती है ये, डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे इसके अंदर आपको। देखिए टायर, देखिए जो डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे, तो नॉन स्टॉप ये मैंने चलाई है। और वैसे मुझे जो मेरी बाइक चलाता हूँ मैं रेगुलर, वो पल्सर है, तो मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे चलाने में। तो इस बाइक को मैं कल लेके गया, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत ही जेन्युइन, और मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत ही लाइट बाइक चला रहा हूँ वेट में, जो बहुत ही हल्की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही मतलब जो भागती है ना दोस्तों रोड पे, बहुत ही मतलब एक ऐसी कोई भी कमी सामने नहीं आती कि मैं बाइक के बारे में कोई कमी बताऊं। ये लुक्स के बारे में बताऊं तो लुक्स देख लीजिए आप इस बाइक के, लुक्स भी बहुत अच्छे हैं। ये भाई एक हमारे, उन्होंने नई ली थी, मैं भी इस बाइक को बेकार ही समझ रहा था, मगर जब मैंने चलाई तो दोस्तों मैं इस बाइक के बारे में सिर्फ तारीफ ही करूँगा। बहुत ही अच्छी बाइक है ये, और अंडर बजट मिल जाती है। अगर मैं मीटर के बारे में देखूँ आपको, इस तरीके का कुछ मीटर है इसका, अच्छे लुक्स हैं। इसके साउंड भी सुनवाऊंगा मैं आपको, इसका साउंड बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर मैं इसके साउंड की बात करूं तो साउंड बहुत ही अच्छा है दोस्तों। देखिए साउंड, अगर आपको दिख रहा हो तो सुनाई दे रहा हो, बहुत ही अच्छा साउंड है इस बाइक का। और भागने के मामले में बहुत रोड से बिल्कुल जैसे चिपक के चलती है ना, पल्सर हो गई, अपाचे हो गई, उस टाइप की बाइक है ये। 100 के स्पीड पे मैंने चलाई है, 100 से ऊपर भी चलाई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाइक में। ऐसा भी नहीं कि जैसे आगे से टायर उठ रहा हो या बाइक थोड़ा सा वेट कम है, चिपक के नहीं चलेगी रोड पे, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, इधर उधर भाग रही हो, हवा से थोड़ा सा है ना इधर उधर हो रही हो बाइक, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छी कंडीशन में बाइक, और मतलब चलने में तो इतनी बढ़िया लगी मुझे कि मैं तो खुद सोच रहा हूँ इस बाइक को लेने के लिए। तो दोस्तों आप भी इस बाइक को, और जो भी भाई हमारे नापसंद करने वाले हैं, उन भाइयों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस बाइक को आराम से ले सकते हैं। मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैंने चलाई है मतलब 150 किलोमीटर समथिंग मैंने ये चलाई है नॉन स्टॉप। बाइक के बारे में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, पल्सर से किसी भी मामले में मुझे तो कम लगती नहीं है, 150 सीसी से बिल्कुल कंपेयर मैं इसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ बाइक के बारे में बात थी, जो कि मैंने आपको सारी बता दी है। और शायद 60-70 हज़ार रुपये के बजट में ये आपको मिल जाती होगी बस। और दोस्तों इतने बजट में बहुत अच्छी बाइक है, मैं ये बोलूँगा जो भी भाई अपने नापसंद करने वाले इस बाइक को, वो ज़रूर लें।